यूक्रेनी फौज की तैयारियों की अब वीडियो सामने आ रहे हैं और हथियारों के साथ यूक्रेनी फौज की ये पूरी पलटन नजर आई है। देखिए तस्वीरें आपके सामने, देखिए किस तरीके से ये लेटेस्ट तस्वीरें जारी कर रूस के खिलाफ बदलती रणनीति को यूक्रेन ने तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश की है और हर मोर्चे पर जिस तरीके से सैनिकों की तैनाती की जा रही है, बड़ा सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन किस तरीके से विध्वंसक काउंटर अटैक की तैयारी में है। अब यूक्रेन के विध्वंसक काउंटर अटैक के प्लान को लेकर ही अगली बड़ी खबर है, क्योंकि गर्मियों में यूक्रेन रूस पर जबरदस्त काउंटर अटैक करेगा। हालांकि मई में वेस्ट के घातक टैंक्स और फाइटर से रूस पर हमले की ये तैयारी जरूर है, लेकिन रूस के कब्जे से यूक्रेन के कई क्षेत्रों को आजाद करने का ये जो टारगेट है, क्या यह आसानी से पूरा हो जाएगा? यूक्रेनी रक्षा मंत्री अलेक्सी रेज़निक, फ्रीडम एफ से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कोप का तो बड़ा दावा यही है। अब यूक्रेन के दावे के बारे में चर्चा से पहले इन्फॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि मई को लेकर जो स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं, हालांकि स्प्रिंग में यूक्रेन के विध्वंसक काउंटर अटैक का प्लान तैयार किया गया है और यूक्रेन को वेस्ट से मिले आधुनिक टैंक्स का इस्तेमाल अप्रैल और मई में शुरू किया जा सकता है और जर्मनी से मिले लेपर्ड और ब्रिटेन के चैलेंजर टैंक्स यूक्रेनी फ्रंटलाइन पर जिस तरीके से पोजीशन ले रहे हैं। राजन कुमार सर, आई वांट यू टू ज्वाइन ऑन दिस, क्योंकि मई तक यूक्रेन अपने रूसी कब्जे वाले इलाके मुक्त कराने में सफल होने की जो कोशिश करेगा, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? आपके पास आती हूँ, उससे पहले देखिए किस तरीके से कीव, चानहाइव, सुमी और इसके साथ साथ खार्किव और खेरसों की तरह बाकी जगह से भी मुक्त कराने की ये कोशिश बताई जा रही है। हालांकि यूक्रेनी एयरफोर्स प्रवक्ता यूरी इनाज का तो यही दावा है, कहते हुए कि यूक्रेनी एयरफोर्स को कम से कम 4 मॉडर्न फाइटर जेट्स की तत्काल जरूरत है और पोलैंड और स्लोवाकिया से मिले MiG-29 यूक्रेन की रक्षा के लिए काफी नहीं है और यूक्रेन को अब F-16 या उसी की तरह के मल्टी रोल फाइटर जेट्स की जरूरत भी बताई जा रही है। इसी को लेकर राजन सर, मेरा आपसे सवाल है, क्या इतनी मांग जो बार बार दोहराई जा रही है, बदलते मौसम में ये बैटलफील्ड पर डिलीवर हो रहे टैंक्स भी क्या काफी होंगे? क्योंकि कैसे भूल सकते हैं ज़ेलेंस्की, 20% से ज्यादा यूक्रेन तो वो गवा चुके हैं। जी बिल्कुल सुरभि, लगभग 20% इलाका अभी रूस के कब्जे में है और वो वैसे इलाके हैं जो कि काफी इंडस्ट्रियलाइज थे, ज्यादातर इंडस्ट्री उसी बेल्ट में है, तो मैं वो तो खो ही चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जितने वेपन्स या जितने रिसोर्सेस यूक्रेन के पास है, उसमें से उसको यूज करके यूक्रेन वहां से रशियन आर्मी को नहीं निकाल सकता है, उसको और काफी सहायता की जरूरत पड़ेगी जो कि पश्चिमी देश देने के लिए तैयार नहीं है। और जहां तक टैंक की बात हो रही है, तो कुछ टैंक के आने से, चाहे वो चैलेंजर टैंक हो या जो लेपर्ड टैंक है उसकी बात हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रशिया ने भी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लिया है और अपनी कैपेसिटी को 1800 टैंक तैयार करके वो तैयार है हमेशा के लिए। तो वैसी स्थिति मुझे नहीं लगता है कि वो निकाल पाएगा। जो स्ट्रेटजी मुझे लग रहा है यूक्रेन का भी है कि अभी जितना भी ऑफेंसिव हो सके हो ले, अगर वो बखमुत या दनियस को लुहांस्क एरिया में अपना कब्जा नहीं बना पाते हैं, तो वैसी स्थिति में वो फ्रस्ट्रेट होके क्रीमिया पे अटैक कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, लेकिन यही वजह है कि डोनेस्क एक ऐसा रीजन है जहां पर रूसी पोजीशंस पर अब यूक्रेन बार बार अटैक करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहा है। बखमुत का भी आपने यहां पर जिक्र किया। फ्रीडम एफ से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।